तो जाने से पूर्व एक दान देकर जाओ, सब तुम्हें दानवीर कहते हैं। इतना वचन दे दो कर्ण, एक दिन मेरी प्रतीक्षा का अंत करने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूं ऋषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी, मैं अवश्य आऊंगा। पिता की मृत्यु पर रोना कायरता नहीं कहलाता। जानता हूं चाचा श्री, और मैं ये भी जानता हूं कि रात को एकांत में ये अश्रु अवश्य आएंगे, किंतु मैं इस समय नहीं रो सकता। मेरा धैर्य ही मेरे अनुजों का बल है। अपने पिता की मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाओगे? हम रोएंगे तो प्रातःश्री को लगेगा कि हमें उन पर विश्वास नहीं। हमारा विश्वास ही उनका धैर्य है। तुम्हारा ये अटूट बंधन तुम्हें हर संघर्ष में सफलता दिलवाएगा। किसी भी स्थिति में कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी।
एकादशी विदुर, मेरे पुत्रों के हृदय वनवासियों की सरलता है, राजनीति की कुतियों को किस प्रकार समझ पाएंगे? ये समझना पड़ेगा भाभी, आपके पुत्र कुरु वंश के उत्तराधिकारी कुरु राष्ट्र की प्रजा का उत्तरदायित्व है इनके माथे पर, और धर्म तो सदा सरलता में ही रहता है ना भाभी, इसलिए हस्तिनापुर को आपके पुत्रों की आवश्यकता है। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। रत महोदय, आपको अपने वचन का विस्मरण हो गया कि हस्तिनापुर के राज परिवार के सारथी बन गए? किस बात की लालसा थी आपको? नियति नित्य होती है और योजना है प्रति क्षण टूट जाती है। देवी प्रियमता, कभी कल्पना नहीं की थी कि महाराज पांडु का देहांत हो जाएगा और महारानी कुंती हस्तिनापुर लौट कर आएगी। यदि ये कल्पना होती तो कभी हस्तिनापुर में आश्रय नहीं लेता। किंतु अब क्या होगा? वो बालक युवान हो गया है। मैंने अपने पुत्र कर्ण को उसके ही घर से निष्कासित कर दिया है। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अवश्य, हस्तिनापुर में हमारे भाई हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और स्मरण रहे, आज के बाद हम केवल पांच भाई नहीं,
माया अर्जुन भीम, हमें मूल दैत्य को ढूंढना होगा। जब वो मरेगा ये सारी माया समाप्त हो जाएगी। राक्षस की छाया की ओर देखो, केवल एक ही राक्षस की छाया भूमि पर गिरेगी।
ज्यादा अधिक बल की आवश्यकता है। कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। तुम पांच भाई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। पांच नहीं, छह। गुप्तचर ने कहा है कि उन्होंने मिलकर अग्नि पर्व का अंत कर दिया। जाओ। असंभव। पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र।